क्या कहा बॉलीवुड के सेलेब्स ने ट्रिपल आर के बारे में, क्या होगी आगे की कहानी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जब से सिनेमा घरों में ट्रिपल आर आई है तब से इसकी चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। फिल्म लीड रोल के तौर पर साउथ के सुपरस्टार्स जूनियर एनटीआर और रामचरण को देखा गया था। फिल्म का बजट 500 करोड़ का था और इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1000 करोड़ की हुई थी। ट्रिपल आर की तारीफ फैंस के अलावा फिल्म इंडस्ट्री के सेलेब्स भी कर रहे हैं। एबीपी न्यूज से बात करते समय बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर ने राजमौली के बारे में कहा कि वो अपने फिल्म के तरह एकदम अद्भुत और एनर्जेटिक हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड को ऐसी फिल्मों से इंस्पिरेशन मिलती है, हमें भी ऐसा अद्भुत काम अपने फैंस को दिखाना चाहिए। वहीं बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने भी इस मूवी के एक्टर चरण की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें इस अवतार में देखना एक कमाल का एक्सपीरियंस था, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और साथ ही उन्होंने कमाल का काम भी किया है इस फिल्म में। फिल्म दो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स की थी, यानी कि राजू और भीम की थी, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से ब्रिटिश राज से लड़ाई की थी। फिल्म के लिए एनटीआर और रामचरण दोनों को ही 45 करोड़ दिए गए थे। साथ ही इस फिल्म में अजय देवगन को भी दिखाया गया था। इन्हें फिल्म के लिए 35 करोड़ मिले हैं और इस फिल्म में आलिया भट्ट भी नजर आने वाली है, जो इस फिल्म से साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू कर चुकी है। फिल्म के लिए उन्हें 6 करोड़ रुपए मिले थे। फैंस तो फिल्म के सीन को हॉलीवुड से कंपेयर कर रहे थे और साथ ही फैंस का डिमांड भी है इस फिल्म का सीक्वल बनाया जाए। इसे तो ये बिल्कुल तय है लौटना कि इस बार राजमौली पर काफी ज्यादा प्रेशर होने वाला है। फिल्म आने के बाद से ही सारे एक्टर्स को फैंस का काफी प्यार मिल रहा है और साथ ही उनके झोली में कई फिल्में आ गिरी हैं। आने वाले साल 2023 में जूनियर एनटीआर को एनटीआर 30 में देखा जाएगा, जिसे कोर्तला शिवा डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म का बजट 300 करोड़ है। साथ ही इस फिल्म में आलिया भट्ट भी नजर आएंगी। फिल्म के लिए एनटीआर को 50 करोड़ और आलिया भट्ट को 10 करोड़ दिए जाएंगे। तो वहीं फिल्म के दूसरे एक्टर चरण अपनी आने वाली फिल्म आचार्य में बिजी है, इसके लिए भी इन्हें 10 करोड़ दिए जाएंगे। फिल्म का बजट 140 करोड़ का है। तो जैसा कि सभी जानते ही हैं कि राजमौली पर ट्रिपल आर का काफी प्रेशर है, तो इस वजह से हो सकता है आने वाले सीक्वल में ट्विस्ट और चेंजेस देखने को मिले। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस नई कहानी में नए चेहरे के तौर पर चरण के बेटे नजर आ सकते हैं, जो इन्हीं की तरह ब्रिटिश राज के खिलाफ होते हैं और उनसे लड़कर अपने पिता चरण को उनके कैद से बाहर निकालते हैं। अब चर्चा ये है कि आखिर इनके बेटे का किरदार निभाएगा कौन, लेकिन दोस्तों हमें ये भी जल्दी पता चल जाएगा आने वाले समय में। अब आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप इस फिल्म के सीक्वल को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। साथ ही आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज, क्योंकि हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है अमीषा।